कुछ दिन पहले से हिमा जी विवादों के घेरे में चल रहे हैं। पूर्व में आयोजित भुइया मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मांझी सनातन धर्म से जुड़े भगवान पे अभद्र टिप्पणी की। आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। इतना ही नहीं, वो एक खास जाति के भी ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए गाली भरी लहजों का भी प्रयोग किया, जिसके सोशल मीडिया पे वायरल होते ही ये लहर सा उठ गया और हर जगह इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया। इतना ही नहीं, सियासत में भी एक गर्माहट आ गई और विपक्ष भी इस पे निशाना साधना शुरू कर दिया। जीतन बाबू मांझी जी ने ब्राह्मण जात के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है और ये क्षम्य नहीं है। ब्राह्मण कभी भी छीन के दान नहीं लेता। आप अपने मोक्ष की आशा में ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाते हैं, उसकी चरण वंदना करते हैं और उन्हें दान दे करके विदा करते हैं। इसके तुरंत बाद मांझी अपना पल्ला झाड़ते ये कह दिए कि वो गाली भरा लहजा वो अपने ही समाज के लोगों के लिए प्रयोग किए थे। समाज के लिए शब्द यूज किया था, हम पंडित जी के लिए यूज नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के एक नेता जो इनके विरोध में बोले उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों में और बौखलाहट तेज हो गई और लोग जगह जगह पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। वहीं आज कुछ सनातन धर्म के लोग जब मांझी आवास पे उनसे मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको पुलिस के द्वारा रोका गया, तो वो लोग रास्ते पे ही बैठकर सत्यनारायण स्वामी की पूजा की और भोजन ग्रहण किया। वो पूजन इन्हीं के समाज के एक व्यक्ति जिसका नाम गोलू बताया जा रहा है उनके द्वारा किया गया और ये भी कहा गया कि हमको भगवान में आस्था है। चक्रम सकरिता कुंडलम सपित वस्त्रम सरसे रोहे छनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रिया नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजं माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर लेंगे। या श्री स्वयं सुकीर्ति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मा नाम कीर्ति दया हृदय सबोधे शुद्धिकरण की हवा तो कम से कम आवाज तक जाएगी। ये भगवान का भोग लगा दिया जाओ। ओम नाभ्याय आसीदंतर्युतो समर्थां पद्भ्यां भूमि दिशा रोदा तथा लोका नया कल्पन नया भोजनादि नैवेद्यम। हेमांशु जी प्लान यही था कि मांझी जी के आवास पर जाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे साथ पूजा में शामिल होइए। सत्यनारायण स्वामी जी की जो पूजा है वो आपको गलत भ्रम में आप पले हुए हैं, उसको आप समझिए। ब्राह्मण क्या होता है, उनके दलित भाई क्या होते हैं वो भी समझिए और समस्त हिंदू समाज क्या होता है वो समझिए। लेकिन वो जाने नहीं दिए, प्रशासन हमें रोक दी। राजनीति तो सिर्फ जातिवाद करके विधायक बनना है, जाति को सभी हिंदू को मूर्ख बनाना है। एक अगर ये विकास के मुद्दे पे आते तो क्या इनके घर के सामने नल में पानी नहीं रहता। वहीं लोग भाजपा और सत्ता दल के पार्टियों से भी। मैं टूना जी पांडे, पूर्व MLC सिवान बिहार। मित्रों, हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं
ये जीतन राम मांझी प्रकरण जो है जिसमें ब्राह्मण समुदाय को अपमानित किया गया है, इसमें बीजेपी का ही पूरा हाथ है, एनडीए की हाथ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ब्राह्मणों का अपमानित किया जा रहा है। नाराजगी जताते हुए ये कहते बाज नहीं आ रहे हैं कि मांझी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको अपने घटक दल से बाहर किया जाए, नहीं तो ब्राह्मण भाजपा का भी विरोध करने से नहीं चुकेगी। क्या भाजपा मांझी के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या एनडीए मांझी के खिलाफ एक्शन लेंगे?